स्लाइड्स का पता है ना आप कैसे करेंगे। ठीक है, कितने मिनट का, कितने देर का करना है, एक घंटे का, डेढ़ घंटे का, फिर एक 12:30 से होगा सर वो, इसके प्लस होगा प्लस वन सारा, प्लस वन का यार सारा। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आपके एग्जामिनेशन जो है वो 15 मार्च से आरंभ हो रहे हैं, तो ये रिमेडियल क्लासेस आप लोगों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें इतिहास क्लास 10+1 में जो सेकंड टर्म में हमारे टॉपिक्स रहेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में ही इन जो भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे इसमें जितने भी जरूरी प्रश्न है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। हालांकि इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा फर्स्ट टर्म का जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर बात करूंगा, फिर आज जो हम मुख्य तौर पर पढ़ेंगे इसमें वो हम जो हमारे सेकेंड टर्म के टॉपिक्स हैं। आपको पता है कि ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, केवल 4 ही चैप्टर है इसमें, जिसमें जो हमारा 11th चैप्टर है वो सबसे बड़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है वो पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म की हम बात करें तो फर्स्ट टर्म में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़े जिसे आपको एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक कट भी गए थे उससे। तो सेकेंड टर्म में जो टॉपिक्स कटे हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों को कितने जो चैप्टर है वो सेकेंड टर्म में एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो पहला चैप्टर है हमारा वह है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यहां से आप लोगों को 8 नंबर का प्रश्न एग्जामिनेशन में आ सकता है, 3 नंबर के प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे और MCQ जो यहां से आपको पूछे जा सकते हैं। साथ में ही जो 3 द ब्लैंक्स वाला टॉपिक जो पोर्शन है इस चैप्टर से, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो सारा का सारा हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तैयार करेंगे, और कौन कौन से वो जरूरी प्रश्न है जो कि आपने पढ़ने हैं इस दौरान, वो सारा का सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। हर घर पाठशाला में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो मैंने ही ये टॉपिक जो है तैयार किया है हर घर पाठशाला में, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो उसमें हमने पूरा का पूरा जो है वो ये टॉपिक बड़े डिटेल में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम सारे टॉपिक को टच नहीं कर रहे हैं, केवल वो प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और आपके लिए फायदा दे सकते हैं उनको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में आपने कोशिश करनी है कि जितना आपको यहाँ पे बताया जाएगा जो भी चीजें आपको बताई गई उसको ध्यान से सुने, और ताकि आपको एग्जाम में इसमें आपको फायदा हो सके। तो सेकंड टर्म में हम बात करते हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं की। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला वो है पुनर्जागरण। इसमें हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण के उत्थान के कारण क्या रहे, क्योंकि एग्जाम में आपको जो 8 नंबर का प्रश्न आएगा वो ये भी हो सकता है। हालांकि अगर हम बात करें 8 नंबर के अलावा 3 नंबर के प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, 4 आपको पता है, आपको आपके टीचर्स ने बता दिया होगा कि 4 प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले 10 जो प्रश्न है वो MCQ होंगे, MCQ मल्टी च्वाइस क्वेश्चन होंगे, जो कि इन चारों चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें इस चैप्टर से भी क्वेश्चन होंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। साथ में जो सेकंड हमारा इसमें रहता है जो आपको पैराग्राफ आता है उससे आपको प्रश्न छांटने होते हैं, वो भी इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो पूछा जाएगा और कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। हालांकि अगर आप थोड़े से क्लेवर हो, अगर आप थोड़े से चलाक हो, तो वो वाला क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है
हालांकि एक आधा एग्जाम्पल जो है वो सेट करके मैं आपको उस क्वेश्चन को भी तैयार करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का जो इंटेंशन हो क्लियर होनी चाहिए कि आप लोग सच में ही यहाँ पे बैठ के जो है वो कुछ सीखना चाहते हैं। तीसरा जो इसमें प्रश्न आता है, आपको पता है फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आपको सारा चैप्टर अगर आपने सही से पढ़े हुए हैं तभी आप उन क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ पे आज उसकी तैयारी करेंगे। और लास्ट जो उसके बाद के जो प्रश्न आते हैं, चार तीन नंबर के प्रश्न आएंगे और आठ नंबर का एक जो है उसमें प्रश्न पूछा जाएगा और साथ में मैप वर्क। तो मैप वर्क के ऊपर आपके अध्यापकों ने आपको बताया होगा कि पांच नंबर का मैप आएगा, जिसमें अगर हम बात करें सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म में ज्यादातर जो मैप हमें पूछे जाएंगे वो टेंथ चैप्टर जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वहां से पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ आपने पढ़ा कि पुनर्जागरण जो है वो अंग्रेजी भाषा शब्द रिनेसा का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है फिर से जागना। फिर से जागना इतिहास में इसे नई जागृति, नई चेतना, बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण का मतलब, फिर से जागने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप सोए हुए हैं और सोके उठ के जाग रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में एक कोई बदलाव आया, ठीक है, और उसके बाद जो है पूरा का पूरा जो लाइफ है वो चेंज हो गई। पुनर्जागरण मतलब एक फिर से जागृति आने की बात को कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में, तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वैज्ञानिक भी कम होते गए और वो जो आविष्कार थे वो भी कम होते गए, क्योंकि लोगों का ध्यान किसी और चीजों की ओर चलता गया, चाहे वो युद्ध थे, युद्धों की ओर बहुत सारे लोग अग्रसर थे, राजाओं का कोई योगदान नहीं था कि वो नई इन्वेंशन हुआ नए आविष्कार करवाए, और ये एक बड़ा कारण था कि ना तो कोई आविष्कार हुए और ना ही कोई ऐसे विद्वानों को प्रोत्साहन मिला राजाओं के द्वारा, सामंतों के द्वारा, कि वो कुछ नया कर सके। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी इस दौरान मध्यकाल में कि पुनर्जागरण का एक बार फिर से जो है वो उत्थान हुआ। पुनर्जागरण का उत्थान नहीं हुआ बल्कि वैज्ञानिक विज्ञान और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से कि पुनर्जागरण अस्तित्व में आया, वो सारे बहुत सारे कारण उसके लिए रहे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं उसका, सबसे बड़ा कारण जो पुनर्जागरण के उत्थान का रहा हुआ है, सामंतवाद का पतन। आप सब ने छठे चैप्टर में तीन वर्ग में बड़े डिटेल में पढ़ा सामंतवाद के बारे में कि सामंतवादी व्यवस्था क्या थी। इवन हमने इतना डिटेल में पढ़ा उसको कि हमने देखा कि राजा जो कि किसी एक पूरे देश के ऊपर शासन करता था वो इतना कमजोर हो गया था कि सामंत जो है उससे ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। सामंतवादी प्रथा, सामंतवादी व्यवस्था ने पूरे यूरोप का जो है वो चित्र ही बदल दिया था। सामंतवाद के बारे में हमने बड़े डिटेल में पढ़ा, लेकिन सामंतवाद का पतन जो है पुनर्जागरण का कारण बना। कैसे, हम बात करते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था में जो सबसे बड़ा जो काम था सामंतों के लिए, या सामंत जो सबसे अधिक करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवाद का विस्तार करना, अपने क्षेत्रों को बढ़ाना, ठीक है। लेकिन सामंतवाद के पतन के बाद जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे कि पुनर्जागरण का उत्थान हुआ। सामंतवाद के पतन के पीछे भी बहुत सारे कारण रहे हैं। हमने बात की, आपने लोगों ने पढ़ा प्लस वन में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ कि सामंतवाद के पतन के पीछे जो कारण रहे हैं उसमें एक तो सामंतों की आपसी लड़ाई, आपस में वो लड़ रहे थे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई या फिर सैनिक रूप से वो कमजोर हो गए, एक बड़ा कारण वो था। साथ में जो सबसे बड़ा कारण रहा है सामंतवाद का वो था धर्मयुद्ध। हमने धर्मयुद्ध के बारे में भी पढ़ा कि जेरूसलम के प्रश्न पर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया उसे धर्मयुद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये धर्मयुद्ध कोई एक दो साल नहीं बल्कि 200-300 वर्षों तक लड़े गए, जिसके कारण सामंत क्योंकि इसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे, उनके जो सैनिक थे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया सारा। सामंतवादी व्यवस्था या सामंतवाद के पतन के पीछे जो कारण रहा वो धर्मयुद्ध रहा, क्योंकि सामंतों ने अपना सारा कुछ जो है इस युद्ध में झोंक दिया था, और जब
ये युद्ध समाप्त हुआ तो सामंतों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी और सामंतवाद का उसमें पतन हो गया। जब सामंतवाद का पतन हो गया, अब हम जो कारण पढ़ रहे हैं कि पुनर्जागरण के उत्थान के क्या कारण है, पुनर्जागरण के उत्थान के कारणों में जो पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं सामंतवाद का पतन, कि ये किस तरीके से पुनर्जागरण के लिए ये एक हम बोल सकते हैं कि एक कारण बना। तो क्या हुआ कि सामंतों के बाद फिर से, सामंतवाद के पतन के बाद फिर से जो है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। राष्ट्रीय राज्यों में जैसे कि हम बात करें, अगर यूरोप की अगर हम बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल जैसे शक्तिशाली देश अस्तित्व में आने लगे, इंग्लैंड की बात कर लो चाहे। और इन जो ये सामंत थे सामंतवादों के बाद जब ये राष्ट्रीय राज्यों के राजा अस्तित्व में आए, तो इन्होंने क्या किया कि विद्वानों को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया। जो विद्वान इनके राज्य में थे उनको प्रत्येक प्रकार की सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट थी या कोई और सपोर्ट थी, वो देना उन्होंने स्टार्ट कर दी। और उसकी वजह से उन विद्वानों को जो है वो नए नए आविष्कार करने का मौका मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना पुनर्जागरण का। दूसरा जो पॉइंट इसमें हुआ है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने बड़े डिटेल में इसको छठे चैप्टर में पढ़ा था कि धर्मयुद्ध जेरूसलम के प्रश्न पर जो है वो ईसाइयों और इस्लाम के जो समर्थक थे उनके बीच में लड़े गए। और क्योंकि ये एक धर्म का एक विषय था, इसलिए जो पोप, जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु माना जाता है ईसाई धर्म का, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे देश के जितने भी, पूरे यूरोप के जितने भी शासक थे, उनको बोला कि इस युद्ध में वो इन्वॉल्व हो जाए। और इस युद्ध में इन्वॉल्व जब हुए तो जब यूरोपियन लोग जो है वो मध्य एशिया या फिर हम बात करते हैं कि पूर्वी एशिया की ओर गए, और यूनान मिस्र के लोगों के साथ जब उनको इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो वहां से क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन वहां पे उस टाइम जो गए थे, और जब वो वहां के विद्वानों के कांटेक्ट में आए या उनसे मिले, तो उनको ये पता लग गया कि अब ये जरूरी है कि जिस प्रकार का ज्ञान इन लोगों के पास है उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो जब वो वापिस आए वो लोग, तो अपने साथ वो बहुत सारा जो है वो लिटरेचर वहां से लेके आ गए, यूनानी लिटरेचर था या फिर इजिप्ट से लेके आए, तो ये इस लिटरेचर से बहुत ज्यादा फायदा मिला उन्हें नए आविष्कार करने में या नए चीजें करने में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना पुनर्जागरण के उत्थान का। तीसरा जो पॉइंट इसमें हुआ है छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार की अगर हम बात करें तो ये प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं हम। तो आपने गुटेनबर्ग के बारे में सुना होगा या आपको पढ़ाया होगा इस चैप्टर में आपके अध्यापकों के द्वारा भी। तो छापे खाना का आविष्कार या प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार था, ये पुनर्जागरण के लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट के रूप में सामने आया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि बाइबल, जो कि एक आपको पता है कि धार्मिक ग्रंथ है ईसाई धर्म का, ये इसकी इस बाइबल के जो नियम थे ये कुछ लोग ही जानते थे। ठीक है, बाइबल के जो नियम थे वो कुछ लोग ही जानते थे, और लोगों को बाइबल के एक्चुअल ज्ञान के बारे में भी जानकारी नहीं थी। उनके पास जो डॉक्यूमेंट थी या जो पुस्तक थी वो थी नहीं। लेकिन जब गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पहली बार जो इस प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया वो था बाइबल। बाइबल की 150 कॉपियां इसमें छापी गई, और जब ये 150 कॉपियां लोगों के पास गई तो लोगों ने जब इनको पढ़ा तो वो उनको एक्चुअल में पता लगा कि अच्छा ये बाइबल में ही लिखा हुआ है ना। नहीं तो उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि जो पोप या जो पादरी जो भी एजुकेशन ईसाइयों को देते थे उनको वही पता थी, एक्चुअल में उनको पता नहीं था कि ऐसी चीजें हैं। तो वैसे ही बहुत सारी और ऐसी ज्ञान की पुस्तकें जब छापे खाने के आविष्कार के बाद छपना स्टार्ट हुई, तो उससे क्या फायदा हुआ कि उससे एक्चुअल नॉलेज जो है लोगों तक पहुंचा, विद्वानों तक पहुंचा, और उसके बाद उन विद्वानों ने नए नए आविष्कार करना आरंभ कर दिए। तो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा सामंतवाद का पतन, दूसरा धर्मयुद्ध, तीसरा छापे खाने का आविष्कार जो कि पुनर्जागरण के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, ये थे। और चौथा कस्तुन दुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्चुअली में। आप लोगों को जब आप छठा या सातवां चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि 1453 में 1453 ईस्वी में सुलजुक तुर्क जो कि एक बहुत ही खतरनाक जाति के लोग थे, बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी थे, उन्होंने कस्तुन दुनिया जो कि
एक ऐसा पॉइंट था जो कि पूरे एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता था, उस पर अधिकार कर लिया। जितना भी व्यापार यूरोप और एशिया के बीच में प्राचीन काल से होता रहा था वो इसी इलाके से होता रहा था, कस्तुन दुनिया से, और जिस रूट से होता रहा था उसको बोलते हैं हम सिल्क रूट, रेशम मार्ग, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी। तो ये पूरा चाइना से स्टार्ट होकर पूरा यूरोप तक के बीच में ये इस रास्ते से ये व्यापार चलता था, लेकिन इस पर 1453 ईस्वी में सुल्जुक तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब जितने भी व्यापारी इस रास्ते से आते या जाते थे वो सारे के सारे उन सबको जो है वो तुर्क जो सैनिक थे वो तंग करते थे, जिसके कारण कि ये व्यापार जो है वो खत्म हो गया या रुक गया। अब यूरोपियन जो शासक थे उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार से अब इस व्यापार के लिए रास्ते ढूंढे जाए। तो बहुत सारे विद्वानों के साथ कंसल्ट किया, बहुत सारे विद्वान जो है वो सामने आए, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके बाद 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई अलग रास्तों से, और भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा की गई। तो कस्तुन दुनिया पर तुर्कों के अधिकार ने किस प्रकार से पुनर्जागरण को जो है वो सहायता की, उसके बारे में हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एक ये वाला टॉपिक मैं इसलिए भी थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे और भी ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, जो आपको फायदा देने वाले होंगे। और लास्ट है मुगल, यहाँ पे लिखा लेकिन मुगल साम्राज्य का उदय, मंगोल साम्राज्य, आप लोगों ने क्योंकि आपके कंटेंट से ये जो आपका सिलेबस है उससे ये टॉपिक कट गया है, चौथा चैप्टर था मंगोल साम्राज्य, आपने फर्स्ट टर्म में इसको भी नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि किस प्रकार से मंगोल साम्राज्य जो है पुनर्जागरण के उत्थान के लिए फायदेमंद रहा। मंगोल साम्राज्य अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एक साम्राज्य रहा है। आप लोगों ने चंगेज खान के बारे में सुना होगा, चंगेज खान की जो कि एक महान मंगोल शासक था, उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, और वो जितने भी मंगोल शासक थे बाद में हुए या चंगेज खान से पहले के थे वो सभी विद्वानों को प्रोत्साहन देते थे, ठीक है। और ये प्रोत्साहन के कारण बहुत सारे विद्वान उनके शासनकाल में ही जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गए थे, और बाद में ये जितने भी ये विद्वान थे जब इनको यूरोप जाने का मौका मिला तो वहां जाके वहां के शासकों ने इनको और ज्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि पुनर्जागरण में सहायता मिली। तो ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों ने लिखने आ रखे, और भी बहुत सारे पॉइंट इसमें हो सकते हैं, लेकिन 5 महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों ने इस प्रश्न के आंसर के लिए आप लोगों ने लिखने, और इनको याद भी कर लेना है आपने। अब याद आप करोगे तो ज्यादा दिक्कत है नहीं याद करने में, क्योंकि आप लोगों ने सारे के सारे जो है वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ा हुआ है। सिर्फ मंगोल साम्राज्य का उदय को छोड़कर बाकी जो 4 पॉइंट है आप लोगों ने बड़े डिटेल में ये सारे पढ़े हुए हैं। सामंतवाद के बारे में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, धर्मयुद्धों के बारे में आपने पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है बहुत बड़ा, धर्मयुद्धों के कारण, धर्मयुद्धों के उदय के कारण, है ना, और छापे खाने का आविष्कार, कस्तुन दुनिया पर तुर्कों का अधिकार, या मंगोल साम्राज्य का उदय, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने उसमें लिखने हैं, और 8 नंबर में आप इसको अच्छे से जो है वो लिख सकते हो इस प्रश्न को। तो ये एक तो हो गया, ये 2-8 नंबर के लिए हमने किया। अगला जो टॉपिक हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और एग्जाम में बहुत बार आता है, इटली में पुनर्जागरण का उदय। अब ये चीज की पुनर्जागरण जो है वो पूरे यूरोप, हमें पता है कि यूरोप में आरंभ हुआ, लेकिन यूरोप में जिस जगह आरंभ हुआ वो था इटली। इटली एक ऐसा देश था उस समय, खासकर मध्यकालीन यूरोपियन इतिहास की अगर बात करें, एक बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में ये सामने आया था। उसके बहुत सारे कारण थे, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इटली में ही पुनर्जागरण का उदय सबसे पहले हुआ। तो अगर हम बात करें कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से कि इटली में जो है पुनर्जागरण का उदय हुआ, या इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले अस्तित्व में आया, तो चलो इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन आप लोगों ने ईसाई धर्म के बारे में जो है वो सुना है, और ईसाई धर्म की अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा जो गुरु है, जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु जिसको मानते हैं, वह पोप। और पोप जिस जगह पर रहता है या जिस एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो रोम,
मेयर रहता है, और रोम में भी एक अलग देश है रोम के अंदर ही, जिसको वेटिकन सिटी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है और सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश माना जाता है, और सिर्फ वहां पे जेंट्स ही रहते हैं, लेडीज वहां पे नहीं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को फायदा होगा उस चीज का। वेटिकन सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और रोम में ही जो कि कैपिटल ऑफ इटली है उसी में ही एक अलग से देश है, उसमें केवल धार्मिक गुरु ही रहते हैं, उसके अलावा जो पादरी है या फिर और जो धार्मिक गुरु है ईसाई धर्म के बड़े बड़े, वो सारे जो है वो वेटिकन सिटी में रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इटली में पुनर्जागरण का उदय, तो क्या वो कारण थे जिसकी वजह से कि इटली में पुनर्जागरण का उदय हुआ, क्यों क्यों ये उदय जो है वो इंग्लैंड में नहीं हुआ। हमने पढ़ा, आप लोगों ने 10th चैप्टर में पढ़ा कि इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो सबसे पहले इंग्लैंड में आया, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई, उसके पीछे जो कारण है वो आप लोगों ने पढ़े। ठीक है, लेकिन क्या वो कारण थे जिसकी वजह से इटली में पुनर्जागरण का उदय हुआ, उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें, इटली का एक व्यापारिक केंद्र होना, इटली यूरोप का एक व्यापारिक केंद्र रहा है प्राचीन काल से, चाहे बात रोम की हो या इटली के और शहरों की हो, यहां से व्यापार जो है पूरे यूरोप में और यूरोप के अलावा एशिया के देशों से भी होता आया है। तो ये एक बड़ा कारण था कि जो व्यापारी लोग थे वो इटली में आते रहते थे, रोम में आते रहते थे, और धर्मयुद्धों के दौरान चाहे बात इजिप्ट की हो या फिर बात जो है वो यूनान की हो, वहां से बहुत सारे विद्वान जो है वो समय समय पर व्यापारियों के साथ इटली आते रहे और वहां पे वो उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। जब ये विद्वान राजाओं के संपर्क में आए या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके संपर्क में आए, तो उन प्रशासनिक अधिकारियों या राजाओं ने भी उनको संरक्षण देना स्टार्ट कर दिया, और ये एक बड़ा काम रहा कि बहुत सारे जो खुदे थी या बहुत सारे ऐसे काम थे साइंस रिलेटेड जो कि होने लगे। तो व्यापारिक केंद्र होना इटली का एक बहुत बड़ा कारण रहा है इटली में पुनर्जागरण। ठीक है, दूसरा जो हम बात करते हैं, प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र रहा है, प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र, हमने रोमन साम्राज्य के बारे में थर्ड चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ा था, फर्स्ट चरण में, कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, लेकिन उसकी जो कैपिटल थी वो कहां थी, रोम थी। प्राचीन रोमन साम्राज्य की इतना बड़ा साम्राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है रोमन साम्राज्य को, और रोमन सभ्यता का ये एक केंद्र रहा है क्योंकि रोमन साम्राज्य की जो कैपिटल रही है वो रोम रही है। ठीक है, तो एक बड़ा कारण ये भी था कि यहाँ पे रोमन सभ्यता के बहुत सारे ऐसे लिटरेचर से रिलेटेड चीजें थी या बहुत सारी ऐसी खोजों से रिलेटेड चीजें थी जो वास्तव में इटली में थी, जब विद्वानों के हाथों में वो सारा पहुंचा लिटरेचर, तो पुनर्जागरण के लिए एक बड़ा कारण बना कि नई नई खोजें या नए नए आविष्कार या और बहुत सारी चीजें जो है वही होने लगी। उसके बाद हम बात करते हैं ईसाई धर्म का प्रसिद्ध केंद्र, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि क्यों ईसाई धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। हमने बात की कि पोप जो कि ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु माना जाता है ना, और वो कहाँ पे रहता है, रोम में रहता है क्योंकि कैपिटल ऑफ इटली है ना। और मैंने तो ये बता दिया आप लोगों को कि जो वेटिकन सिटी है वो मुख्य केंद्र है ईसाई धर्म का, पूरे ईसाई धर्म की जितने भी रूल और रेगुलेशन बनते हैं वहीं से आते हैं और वो अपने आप में ही इटली में है ना। तो इसकी वजह से जो ईसाई विद्वान थे उनका भी इटली में आना जाना रहता था, चाहे वो किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के हो या फिर किसी भी अदर कंट्री के जो कि ईसाई धर्म से रिलेटेड है। तो एक बड़ा कारण ये रहा कि इसकी वजह से भी इटली में पुनर्जागरण का उदय होता रहा। अब फोर्थ है उपयुक्त राजनीतिक दशा, इटली की जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय वो बहुत ही सॉलिड थी। कारण क्या था कि सबसे पहले सामंतवाद का पतन जो हुआ वो इटली में हुआ है ना। हमने ये पढ़ा इससे पहले पिछले टॉपिक में कि धर्मयुद्धों में सामंतों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और इटली के सामंत सबसे पहले धर्मयुद्धों में इन्वॉल्व हुए थे। इटली के जो सामंत थे वो सबसे पहले इन धर्मयुद्धों में क्या हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे, और सबसे पहले पतन भी उनका ही हुआ। और उसके बाद राष्ट्रीय राज्य का जब उत्थान की हम बात करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय राज्य इटली में ही एस्टेब्लिश हुआ।
तो इसकी वजह से जो लोग थे इटली के, जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति जो इटली की थी वो बहुत सॉलिड थी। ये एक बड़ा कारण था कि इसकी वजह से पुनर्जागरण जो है इटली में आरंभ हुआ है। तीसरा पांचवा जो इसमें पॉइंट हुआ, शिक्षा का प्रसार। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय इटली में इस समय एस्टेब्लिश हो चुके थे। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए बाहर के देशों से भी विद्वान आते थे, और रोम विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय उसमें उसमें था। पादुआ विश्वविद्यालय उस समय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जो कि रोम में ही स्थित था, और यहाँ पे जो विद्वान आते थे वो विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे, बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। और जब वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए तो यही रुक गए, और ये भी एक बड़ा कारण बना कि पुनर्जागरण का उत्थान जो है इटली में वह इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कारण, केवल दो एक दो ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं थे बल्कि बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है उस समय इटली में आरंभ हो चुके थे, और ये एक बड़ा कारण था कि इटली में पुनर्जागरण का आरंभ सबसे पहले हुआ। तो ये प्रश्न, ये टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि जरूरी है, आपको एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, और आपने इसके हेडिंग याद करके और जो मैंने आपको बताया कि उसको लिखना भी है। और एक चीज और, हर घर पाठशाला में अगर आप यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफिकेशन इसकी आती रहेगी। मैंने थोड़ा सा एडिट किया है सेकंड टर्म के उसमें भी, अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से उन वीडियोज को आप देख सकते हो, खासकर इस टॉपिक की जिसमें मैंने कुछ ऐड किया है वहां पे, आप उसको देखें जरूर। आपने हिस्ट्री क्लासेस बाय कमलेश कुमार के उसमें लिंक में जाना है, या आपको आपके टीचर्स ने भेज दिए होंगे पहले, उसको आप देखें, और इसको जब आप सुनेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा जो है उससे हो सकता है, क्योंकि हर घर पाठशाला में हालांकि अभी भी वीडियोज आ रहे हैं लेकिन आप लोगों ने देखना कम कर दी है, लेकिन जो एडिटिंग है उसमें हम लगातार उसको करते आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में मैंने कुछ एडिट किया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको भी आप जरूर देखें। तो दो टॉपिक जो हमने पढ़े, एक पुनर्जागरण का और पुनर्जागरण के उत्थान के कारण, ये एग्जामिनेशन में आप लोगों को 8 नंबर में आएगा, मैंने बताया है कि 8 नंबर में आ सकता है। और 8 नंबर में जो अगला प्रश्न आपको आ सकता है वो है इटली में पुनर्जागरण का उदय। और इसके जो टॉपिक जो मेन जो इसके जो हेडिंग्स है वो मैंने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है आपको ये प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन के आरंभ होने के कारण। धर्म सुधार आंदोलन है क्या? अब हम धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन अलग अलग समय में अलग अलग देशों में चलते आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ईसाई धर्म में धर्म सुधार आंदोलनों की अगर हम बात कर रहे हैं। वो स्कूल के बच्चे भी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बेटा स्वागत है। धर्म सुधार आंदोलन, ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में 3 नंबर में या 8 नंबर में आ सकता है। तो इसका इसका जो अगर हम बात करें कि 8 नंबर में आएगा तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, 3 नंबर में आएगा तो किस प्रकार से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अगर ये 8 नंबर में आता है, 8 नंबर में आएगा तो आपको पूरा डिटेल में इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह लिख के सारा कि धर्म सुधार आंदोलन ईसाई धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए आरंभ किया गया था, और इस जो ये सुधार आंदोलन था इसके पीछे के जो कारण थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ईसाई धर्म में इस समय बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी, उसके बहुत सारे कारण थे। कारण ये थे कि जो आर्थिक सहायता थी धर्म के नाम पर चर्च को या फिर पोप को, वो बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए जो पोप था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली जो है वो अपने आप को मानने लग गए थे। इवन वो कई बार राजाओं को, जो राजा होते थे अलग अलग देशों के, उन राजाओं को वो लोग जो है वो सॉरी पोप जो है वो ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बुराइयां इसमें आ गई थी, जिसमें सबसे पहला हम बात कर रहे हैं चर्च की बुराइयां। चर्च की बुराइयों के बारे में मैं बात कर रहा था कि एक तो जो चर्च के जितने भी अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार का जीवन व्यतीत करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। आर्थिक रूप से वो इतने ज्यादा सॉलिड थे कि अब उनको लगता था कि राजा भी उनके अंडर है। चर्च की बुराइयां
चर्च की जो बुराइयां हैं वो एक बड़ा कारण बना इस धर्म सुधार आंदोलन का। दूसरा है पोप तथा पादरियों की विशेषाधिकार। मैंने बात की कि बहुत सारे अधिकार को थे और पादरी जो थे उनको भी बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। इवन जो उस समय के राष्ट्रीय राज्य थे जो शक्तिशाली थे, चाहे वो जर्मनी की बात है, इंग्लैंड की बात है, पुर्तगाल की बात है, या फिर और यूरोपियन कंट्रीज जो कि पोप को सबसे बड़ा धार्मिक गुरु मानते थे और उसके दिए गए आदेशों को बिल्कुल मानते थे, उसकी वजह से भी क्योंकि पोप तो ऑर्डर दे देता था लेकिन उसकी वजह से जो प्रशासनिक प्रॉब्लम्स थी वो बहुत सारी हो गई थी और इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो इस धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी जिनको दूर करने के लिए आंदोलन चलाना बहुत आवश्यक था। चर्च की विशाल धन संपत्ति, मैंने बात की कि चर्च की जो संपत्ति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से कि चर्च जो एक भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका था। और जैसे जैसे पुनर्जागरण के बाद लोगों को अवेयरनेस आने लगी, मैंने बताया कि 150 प्रतियां जो है वो बाइबल की सबसे पहले छपी थी, कि अभी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो है लगातार काम कर रही थी और उसकी वजह से जो बाइबल थी वो उसको बहुत सारा जो है वो हम बात कर सकते हैं कि उसकी बहुत सारी कॉपी जो है छपना स्टार्ट होती है। लोगों के सामने एक्चुअल जो निर्देश जो कानून थे, जो लॉ थे, या फिर जो हम बात कर सकते हैं कि धर्म से जुड़ी हुई बातें थी, एक्चुअल रूप से लोगों के सामने आ गई थी। अब पोप या पादरी उनको गलत नॉलेज नहीं दे सकते थे, हाँ, तो एक बड़ा कारण बना कि चर्च की सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई थी लोगों के सामने। चौथा जो इसमें पॉइंट आप लिख सकते हो, राजनीतिक क्षेत्र में पोप का हस्तक्षेप। हालांकि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि पोप जो है बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था, खासकर धर्मयुद्धों के बाद। धर्मयुद्धों के बाद परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि अब पोप को ये लगने लगा था कि सभी जो राजा है विश्व के, सॉरी विश्व के नहीं बोल सकते हैं, यूरोप के, यूरोपियन देशों के, वो सारे जो है उसकी बात को माने, है ना, जिसकी वजह से कि राष्ट्रीय राज्य और मध्य वर्ग के जो लोग थे वो पोप के अंगेज होना स्टार्ट हो गए थे। एक बड़ा कारण बना कि ये धर्म सुधार आंदोलन करना जो है वो आरंभ हो गया था। छठा था पुनर्जागरण का प्रभाव। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि पुनर्जागरण का प्रभाव एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था जिसकी वजह से कि धर्म सुधार आंदोलन जो है वो आरंभ हुआ। और लास्ट में पाप, गलत लिखा हुआ इसमें, पाप स्वीकारोक्ति पत्रों की बिक्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या आप बोल सकते हो कि इमीडिएट कॉज रहा है धर्म सुधार आंदोलन का, पाप स्वीकारोक्ति पत्रों की बिक्री। पोप को, जो पोप था उसको पैसों की आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी क्योंकि पोप ने क्या करना था, पोप ने कोई एक चर्च बनवाना था कहीं, जिसके लिए उनको पैसों की आवश्यकता थी और पैसों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने एक पाप स्वीकारोक्ति पत्र करके एक पत्र निकाला जिसको बेचा जाना था। मतलब जो भी व्यक्ति उस पाप स्वीकारोक्ति पत्र को खरीदता, उसमें लिखा गया था कि जो भी व्यक्ति पाप स्वीकारोक्ति पत्र को जो है वो खरीदेगा उसने अपने जीवन में जितने भी पाप किए वो सारे के सारे पाप जो है वो भूल जाएंगे। मतलब आप कोई भी पाप करो उस पत्र को खरीदो और आपके सारे पाप जो है वो भूल जाएंगे। ये एक पाप स्वीकारोक्ति पत्र था जिसका मुख्य उद्देश्य था पैसे इकट्ठे करना, है ना। तो ऐसे में ये पाप स्वीकारोक्ति पत्र यूरोप के अलग अलग देशों में भेजना स्टार्ट कर दिए पोप ने। और जब ये जर्मनी में पहुंचे वहां पे मार्टिन लूथर करके एक व्यक्ति था उसके पास जब ये पहुंचे, वो वैसे भी ईसाई धर्म में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए लगातार एफर्ट कर रहा था। तो ऐसे में जब ये पाप स्वीकारोक्ति पत्र वहां पे पहुंचे तो उसने सबसे पहले विरोध किया और वहीं से धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हो गया जिसका मुख्य उद्देश्य था चर्च में फैली बुराइयों को दूर करना, चर्च में फैले भ्रष्टाचार को दूर करना और चर्च की जो असलियत है उसको सामने लाना, है ना। तो ये धर्म सुधार आंदोलन पूरे तरीके से जर्मनी से आरंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया और उसी का इम्पैक्ट था कि ईसाई धर्म दो भागों में बंट गया, एक कैथोलिक चर्च और एक प्रोटेस्टेंट चर्च। कैथोलिक चर्च के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज्यादा मानने वाले हैं, एक्चुअल रूप जो है ईसाई धर्म को कैथोलिक चर्च है, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो है वो अलग से एक संप्रदाय सामने आ गया इन पाप स्वीकारोक्ति पत्र के धर्म सुधार आंदोलन के बाद। तो ये
प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में 3 नंबर में आएगा तो 3-4 पॉइंट लिख लेने हैं, 8 नंबर में आता तो 7-8 पॉइंट आप लोगों ने लिखने हैं, जिसमें पहला हमने बात की चर्च की बुराइयां, पोप तथा पादरियों के विशेषाधिकार, चर्च की विशाल धन संपत्ति जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, राजनीतिक क्षेत्र में पोप का हस्तक्षेप, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, पुनर्जागरण का प्रभाव और पाप स्वीकारोक्ति पत्र। ठीक है, ये 3 प्रश्न है जो कि इस चैप्टर में जो है बड़े प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर में या फिर 8 नंबर में। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न है जिसके ऊपर बात कर सकते हैं, जिसमें फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ये प्रश्न 3 नंबर में आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, या फिर छोटे जो MCQ है उसमें भी पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बारे में हम बात करें, उसे पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसा। अब प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में MCQ में पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण का पितामह किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपको मिल सकती है फ्रांसिस्को पेट्रार्क, उसके बाद जो है वो दांते अरिस्टो, या फिर विलियम हार्बे, या चौथा आपको पूछा जा सकता है लियोनार्डो दा विंची। तो आपने उसमें लिखना है फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जो कि किसका पुनर्जागरण का पितामह, फादर ऑफ रेनेसा जिनको कहा जाता है। इनका जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था, 1304 ईस्वी में फ्लोरेंस, इटली के ही रहने वाले थे, इटली के नगर फ्लोरेंस में ही इनका जो है वो जन्म हुआ था। एक महान ये साहित्यकार रहे हैं, और अगर हम बात करें उनके लेखन के क्षेत्र की तो वो सिसरो और वर्जिन जो कि महान साहित्यकार रहे हैं उनके बहुत उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। साथ में मानवतावाद की विचारधारा को बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, मानवतावाद, क्योंकि मैं अलग से इसको शायद डिस्कस नहीं करूंगा मानवतावाद। आपको 3 नंबर का प्रश्न एक और आ सकता है, मानवतावाद से क्या अभिप्राय है। तो 3 नंबर के प्रश्नों में 2 मैंने प्रश्न आपको बताया जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं, एक फ्रांसिस्को पेट्रार्क कौन था और दूसरा मानवतावाद, इन दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यहीं पे। ठीक है, दोनों को इकट्ठे हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें मानवतावाद, जैसे कि मानवतावाद की विचारधारा को प्रोत्साहन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है फ्रांसिस्को पेट्रार्क का, तो मानवतावाद होता क्या है, मानवतावाद से अभिप्राय मानव के लिए प्रेम। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो मानव को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है, जानवर होते हैं कुछ और चीजें सामान है वस्तुएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो मानव को माना जाता है मानव। लेकिन एक समय ऐसा था जब मानव को ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं माना जाता था, मतलब जानवर और मानव में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। आप लोगों ने दास प्रथा के बारे में पढ़ा, हालांकि दास प्रथा का आरंभ भी यूरोप से ही हुआ है, कि आदमी को जानवरों की तरह बेचा और खरीदा जा सकता था, उसकी लाइफ की कोई इंपोर्टेंस नहीं थी, कोई इंपोर्टेंस नहीं थी लाइफ की उसके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, या ऐसे फ्रांसिस्को पेट्रार्क जैसे लोग जब अस्तित्व में आए, तो उन्होंने मानव के जो महत्व पर बल दिया, मानव को बहुत ज्यादा जरूरी उन्होंने माना कि मानव की इंपोर्टेंस है, या मानव जो है बहुत इंपोर्टेंट एक आप मान सकते कि प्राणी है इस दुनिया में, और उससे ज्यादा जो है कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो मानवतावाद को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ना। लेकिन एक समय ऐसा था, मैंने बताया कि मानव और जानवर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क के ऊपर आप लिखोगे तो पुनर्जागरण का पितामह उन्हें कहा जाता है। उनका जन्म 1304 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, और बचपन से उन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिलचस्पी थी, ये हमने पढ़ा। और साथ में मानवतावाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क और मानवतावाद के ऊपर अपने नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है गैलीलियो गैलीली। मैंने फिर से एक बार मैं आपको बोलूं कि आप हर घर पाठशाला में जाएं, वहां पे ये वीडियो इसकी बनी हुई है, आपको बार बार देखते रहें, आपको वैसे ही याद ये हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने बड़े सही तरीके से इसको रिकॉर्ड भी किया है। तो गैलीलियो गैलीली एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, है ना, और ये भी इटली के रहने वाले थे। अगर हम बात करें तो गैलीलियो गैलीली फेमस थे क्यों, आविष्कार के लिए जो उन्होंने किया, आपको दिख रहा है उनका आविष्कार था, दूरबीन का आविष्कार उन्होंने किया था, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया। अब ये बात आती है कि यहाँ पे प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है MCQ में कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है जो कि आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द मोशन नामक ग्रंथ की रचना किसने की, द मोशन। ठीक है,
इसको भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आविष्कार किसने किया। तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था, लेकिन सबसे जरूरी जो बात इसमें है कि उन्होंने कॉपरनिकस के उस सिद्धांत का समर्थन किया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र है, और जितने के भी ग्रह हैं सारे सूर्य का चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार करने के बाद एक बहुत ही बहुमूल्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम था द मोशन, जिसे सिद्ध किया कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, जिसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा साइंस में भी, ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि आइजैक न्यूटन का एक सिद्धांत है और उसका समर्थन गैलीलियो गैलीली ने भी किया है। ठीक है, तो दो प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते, तीन नंबर में आएगा तो इतना आपने लिखना है इसमें, लेकिन मुझे जो लगता है कि आपको जरूर इस बार जो है प्रश्न पूछा जाएगा एमसीक्यू में गैलीलियो गैलीली के ऊपर, कुछ भी पूछा जा सकता है कि गैलीलियो गैलीली ने कौन सा आविष्कार किया। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है द मोशन नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ठीक है, इस प्रकार से आपसे जो है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक इसमें हमारा है लियोनार्डो द विंसी, एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, मूर्तिकार और संगीतकार रहे हैं। लियोनार्डो द विंसी ये भी इटली के ही रहने वाले थे, फ्लोरेंस नगर में इनका जो जन्म है वो 1452 ईस्वी में हुआ था, और बचपन से ही उन्हें चित्रकला का शौक था, जिसके बारे में जो है वो ये इनकी बहुत सारी पुस्तकों में लिखा गया है जो लियोनार्डो द विंसी से जुड़ी है। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा द लास्ट सफर। मोनालिसा जो आपको एक ये दिख रही है, क्या बोलते हैं तो चित्र दिख रहा है, ये चित्र लियोनार्डो द विंसी के द्वारा चित्रित विश्व का सबसे महंगा, सबसे प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, सबसे महंगा और सबसे प्रसिद्ध ये चित्र है। महंगा तो इतना है कि ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत ही कोई नहीं है, है ना। तो प्रश्न आप लोगों को एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि लियोनार्डो द विंसी के बारे में आप क्या जानते हैं, तीन नंबर में प्रश्न आएगा। लेकिन यहां से आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए जितने भी इसके जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि लियोनार्डो द विंसी एक महान चित्रकार थे। चलो ये तो आपको पता ही है, तो उनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, ये 1452 ईस्वी में। लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है उनकी चित्रकला मोनालिसा, मोनालिसा और द लास्ट सफर, ये दो महत्वपूर्ण है, लेकिन मोनालिसा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, वो चित्र रहा है लियोनार्डो द विंसी का। उसके बाद अगला इसमें मार्टिन लूथर के ऊपर प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि मार्टिन लूथर कौन थे। ठीक है, हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैंने हर घर पाठशाला में जो वीडियो बनाई है उसी से ही ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, और उसको आज इस पीपीटी के माध्यम से मैंने बताया। लेकिन वहां पे आपको फायदा इसलिए ज्यादा होगा कि वहां पे रिकॉर्डेड है, आप उसको बार बार सुन सकते हो। इस प्रश्न को अगर आप हर घर पाठशाला में देखेंगे, जाएंगे वहां पे हिस्ट्री क्लास प्लस वन में देखेंगे, तो वहां पे आपको ये बड़े उसमें मिल जाएगा, और पूरी की पूरी वीडियो है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड, छोटी सी छोटा सा सिलेबस है आप लोगों का, बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हो। और बहुत अच्छे नंबर लेने के लिए करना क्या है आप लोगों को कि पढ़ना है, उन वीडियोज को देखो, अपने अध्यापकों की हेल्प लो, है ना। उस तरीके से आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हो प्लस वन में। पास होना ही जो है वो जरूरी नहीं है, बहुत अच्छे नंबर अभी लोगे प्लस वन में, फिर ये ही चीज आपको प्लस टू में भी फायदा देने वाली होगी। क्योंकि प्लस वन में आप ये सोचो कि अगर आपको लिखने का आइडिया हो, आपको पढ़ने का आइडिया हो, किस तरीके से आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो वो चीज आपको प्लस टू में बहुत ज्यादा फायदा देने वाली होगी। अब हम बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर की। अभी इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता रहे हैं वो मार्टिन लूथर रहे हैं। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में, इन्होंने हालांकि धर्म सुधार आंदोलन में आंदोलन चलाया जिसका मुख्य उद्देश्य था चर्च में फैले भ्रष्टाचार और बुराइयों को दूर करना, और उन्हें धर्म सुधार आंदोलन का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, 1517 में कैथोलिक चर्च में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया उसमें काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली। मैं बता दूं क्यों सफलता मिली,
क्योंकि इसके बाद एक तो मैंने बताया आपको कि दो भागों में डिवाइड हो गया ईसाई धर्म, एक कैथोलिक चर्च और दूसरा प्रोटेस्टेंट, है ना। ये एक तो चीज ये होगी। दूसरा, जो ईसाई धर्म में कुरीतियां थी, अब पोप अच्छी तरह समझ चुके थे, भली भाली जान चुके थे कि अब समय आ चुका है कि लोग अवेयर हो चुके हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, मैंने बताया कि आप लोगों के छापे खाने के आविष्कार के बाद ऐसा हुआ कि लोगों के पास एक्चुअल जो ईसाई धर्म में बाइबल में लिखा हुआ है वो पहुंच गई चीजें सारी। अब उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से जो है वो ये सुधार आंदोलन चला, और उसका इम्पैक्ट पड़ा ये कि पोप ने अब जो भी पादरी या जो भी पोप के अधिकारी या जो और लोग होते थे, अब उन सबको जो है वो समझाना स्टार्ट कर दिया कि अब जो है समय लग चुके हैं भ्रष्टाचार के। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है ये धर्म सुधार आंदोलन, इस आंदोलन का, है ना। अब धर्म सुधार आंदोलन क्या था ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है इस चैप्टर से जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, एग्जाम में आपको जो है वो एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपने इनको ढंग से तैयार कर लेना है। इस में हम ज्यादा अब डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट से पहला जो इसमें हमने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, पुनर्जागरण के आरंभ होने के क्या कारण थे। दूसरा हमने पढ़ा पुनर्जागरण इटली में आरंभ क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे हैं। तीसरा जो प्रश्न हमने पढ़ा कि धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है, धर्म सुधार आंदोलनों के क्या कारण थे, ठीक है। बाकी छोटे प्रश्नों में हमने फ्रांसिस्को पेट्रा, गैलीलियो गैलीली, लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ा, जो कि एग्जामिनेशन में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसको कर लेना है। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर, संस्कृतियों का टकराव। ये प्रश्न से भी आपको एक बड़ा प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ना, संस्कृतियों का टकराव, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम ज्यादा नहीं है, मैं फटाफट से आप लोगों को इसको करवाता हूँ, क्योंकि अभी एक घंटे की क्लास है, उसके बाद दो टॉपिक हमारे और पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसको तो भौगोलिक खोजों से क्या अभिप्राय है, खोजों के क्या कारण थे, ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में 8 नंबर में पूछा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों के क्या कारण रहे हैं, भौगोलिक खोजों से अभिप्राय क्या है और इसके क्या कारण रहे हैं, ठीक है। भौगोलिक खोजों से अभिप्राय है कि नए क्षेत्रों की खोज करना, ठीक है। नए क्षेत्रों की खोज करने के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र खोजे नहीं गए हैं पहले, लेकिन उनके लिए नए रास्तों की खोज करना। और इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने दो लोगों के बारे में पढ़ा होगा, एक क्रिस्टोफर कोलंबस और दूसरा वास्को डी गामा, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में आपने इसलिए पढ़ा होगा रिवीजन में भी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, है ना। वो अपने 3 जहाजों में बैठ के गया वहां पे और उसने अमेरिका की खोज कर ली, जिसको उसने इंडियन समझा और वहां के लोगों को उसने रेड इंडियन की संज्ञा दी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत बाद में। लेकिन दूसरा जो है वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की 1498 में, ऐसा नहीं कि उससे पहले भारत था, नहीं भारत था लेकिन नए रास्तों की खोज की। हालांकि हमें ये पता है कि भारत से यूरोप में व्यापार प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन समुद्र के रास्ते उसको उसकी खोज करना एक बड़ा एक नई इन्वेंशन थी जो कि हुई, और उसके पीछे कारण था कस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कस्तुनिया पर तुर्कों के अधिकार के कारण जो रेश मार्ग था या और जो मार्ग थे वो सारे उनके कंट्रोल में आ गए, और एक बड़ा कारण बना कि नई खोजें जो है वो स्टार्ट होगी। तो उससे पहले जो हम बात करते हैं कि आर्थिक उद्देश्य एक बड़ा कारण रहा है कि यूरोप के बहुत सारे देशों के आर्थिक उद्देश्य थे, वो चाहते थे कि वो ऐसे देशों की खोज करें जहां से उनके देश को जो है वो ज्यादा आर्थिक सहायता मिल सके, आर्थिक सहायता मिल सके, पैसा मिल सके, है ना। उस तरीके से जो है वो एक नए नए देशों की खोज करने की इच्छा जाहिर कर रहे थे यूरोप के शक्तिशाली देश, एक बड़ा कारण ये था। दूसरा नए आविष्कार, नए आविष्कारों ने भी हम बात कर सकते हैं कि नए आविष्कारों ने जो भौगोलिक खोजें हैं उनको प्रोत्साहित किया। ऐसा नहीं कि पहले खोजें नहीं होती थी, पहले खोजें होती थी लेकिन वो पूरी नहीं होती थी, लोग जाते थे, नाविक नाव लेके जाते थे या अपने जहाजों पे जाते थे, लेकिन क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की कमी थी इसलिए समुद्र में ही वो जो है वो महासागरों में वो जो है वो वहीं पे उनका सारा जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता था, क्योंकि बहुत सारा समय लग जाता था उनको किसी स्थान को ढूंढने के लिए। और समुद्र इतना बड़ा है, आपको पता है कि महासागर इतने बड़े हैं कि
अगर आपको सही डायरेक्शन पता नहीं हो कि किस डायरेक्शन में जाना है, या आपके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं हो जो आपको डायरेक्शन के बारे में बताए, तो आप समुद्र में ही जो है वो गुम हो सकते हैं। तो ऐसा हुआ है बहुत बार कि यूरोपीय देशों, चाहे बात स्पेन की और पुर्तगाल की, उन्होंने बहुत सारे अपने नाविक जो है वो नए देशों की खोज के लिए भेजे, लेकिन वो वापिस नहीं आए, है ना। उसका क्या कारण था कि महासागरों में क्या हो गए, वो महासागरों में वो गुम हो गए, और उनके पास इतना ज्यादा राशन या इतना ज्यादा खाने के लिए नहीं था, पानी नहीं था कि वो सर्वाइव कर पाते ज्यादा लंबे टाइम तक, तो वो वहीं पे जो है वो गुम हो गए और मारे गए, है ना। लेकिन अब पुनर्जागरण के बाद नए नए आविष्कार अस्तित्व में आ गए थे। इन नए आविष्कारों ने भूगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया। इन नए आविष्कारों में सबसे पहला है कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र, ठीक है। कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र क्या था कि इससे किसी भी डायरेक्शन के बारे में जानकारी मिलती थी। एक यंत्र था जो बताता कि आपने नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है, वो आपको सारी डायरेक्शन जो है वो देता था। और ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ नई खोजों के आविष्कार। इसके अलावा दूरबीन का आविष्कार, दूरबीन के आविष्कार के कारण भी दूर की चीजों को नजदीक देखा जाने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, भूगोलिक खोजों को जो है वो सहायता मिली भूगोलिक खोजें करने में। तीसरा है टॉलेमी का ज्योग्राफी। टॉलेमी जो कि एक बहुत ही बहुत बड़े ज्योग्राफिस्ट रहे हैं, ज्योग्राफी के बहुत बड़े एक ज्ञाता रहे हैं, उन्होंने पूरे विश्व का जो नक्शा है वो अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में उसको डाल दिया, जिसकी वजह से कि जो भी जो नाविक थे उनको डायरेक्शंस के बारे में या देशों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली, और उनके लिए भूगोलिक खोजों के लिए एक फायदेमंद चीज साबित हुई। उसके बाद नेक्स्ट है मार्को पोलो की यात्राएं। मार्को पोलो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना। मार्को पोलो वेनिस का एक यात्री था जिसने कि मुगोल साम्राज्य में वो काफी लंबे समय तक रहा, और वो कुबलई खान के दरबार में भी काफी लंबे समय तक रहा। कुबलई खान सॉरी जो कि कुबलई खान जो कि हम बात करते हैं कि मुगलों का एक शक्तिशाली शासक था, उसके दरबार में रहा। और इस दौरान जब वो एशिया और यूरोप के बहुत सारे देशों में रहा, तो उसने पूरे विश्व के जो नक्शा है उसके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा, और जो नाविक थे उनको इससे फायदा मिला, और वो उसी डायरेक्शन में फिर जो है वो खोजे करने लगे। नई खोजों में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, टॉलेमी का ज्योग्राफी और मार्को पोलो की यात्रा बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं। अगला है धार्मिक उद्देश्य। धार्मिक उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो धार्मिक उद्देश्य के लिए भी जो है भूगोलिक खोजें हुई, क्योंकि ईसाई धर्म के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जैसे पोप की बात करूं, पादरी की बात करूं, वो चाहते थे कि ईसाई धर्म का प्रसार विश्व के अलग अलग हिस्से में हो, और उसके लिए जरूरी था ऐसे देशों की खोज करना जो ईसाई धर्म को अपना सके, ठीक है, ईसाई धर्म को अपना सके। जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, दो देश है, एक ऑस्ट्रिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में ही एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। तो आज की डेट में ईसाई धर्म के मैक्सिमम लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज भी की गई, और वहां पे ये यूरोपियन लोग गए, वहां पे बसे, वहां पे इन्होंने धर्म का प्रसार किया, और पूरे देश को जो है उन्होंने क्या बना दिया, ईसाई धर्म में जो है वो परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे देश है, साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका जिसे कहा जाता है, ऐसे ऐसे देशों की खोज करते हुए जो है वो अपने ईसाई धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाया। धार्मिक उद्देश्य एक बड़ा कारण रहा है भौगोलिक खोजों का, क्योंकि कोई कारण होने चाहिए कि क्यों भौगोलिक खोजें करनी, इतना पैसा खर्च करेंगे, इतने लोगों की जान जोखिम में डालेंगे, तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होने चाहिए। और छठा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं डिस्कस छठे पॉइंट में, कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये आप लोगों ने लिख लेना, यहाँ पे मैंने नहीं किया है। कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार भी एक बहुत बड़ा कारण बना ईसाई सॉरी भूगोलिक खोजों के लिए, भूगोलिक खोजों के लिए। हमने बात की कि सारा का सारा व्यापार जो है वो कस्तुनतुनिया से होते हुए होता था, लेकिन वहां पे तुर्कों ने जब अधिकार कर लिया, सुल्जुक तुर्क जब वहां पे एस्टेब्लिश हो गए, तो उन्होंने यहां से जो भी व्यापारी जाते थे उनको लुटना स्टार्ट कर दिया, उनको डराना स्टार्ट कर दिया, उनको धमकाना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि यूरोपियन लोगों को आदत पड़ गई थी एशिया की चीजें यूज करने की, जैसे चीन से रेशम के कपड़े आते थे तो उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, या भारत की बात कर लो तो भारत से गर्म मसालों का व्यापार यहाँ पे होता था,
है ना, और ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से कि ये भौगोलिक खोजे हुई। और अब क्योंकि यूरोपियन लोगों को मैंने बताया कि यूरोपियन लोगों को जरूरत पड़ गई थी ऐसे, इन जरूरत क्या मतलब उनको आदत पड़ गई थी इस प्रकार के सामानों को यूज करने की, है ना। तो अब राजाओं ने भी कन्विंस किया कि ऐसी खोजें की जाए। और छठा पॉइंट था, सातवां पॉइंट इसको लेके चलते हो, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी का योगदान। पुर्तगाल का जो राजकुमार था हेनरी द्वितीय, उन्होंने जितने भी नाविक थे जो कि इंटरेस्टेड रहते थे या जिनका इंटरेस्ट था नई खोजे करने में, उन्होंने जो है राजकुमार हेनरी ने उनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने पुर्तगाल में नाविक स्कूल खोले, नाविक कॉलेज खोले, नाविकों की हेल्प करने के लिए इस प्रकार के स्कूल और कॉलेजेस उन्होंने खोले जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की नई खोजों के आविष्कार के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको 8 नंबर में आएगा। इसके 6-7 पॉइंट जो भी आपने करने होंगे उनको आपने करना है, जिसमें पहला है आर्थिक उद्देश्य, नए आविष्कार, टॉलेमिक ज्योग्राफी, मार्को पोलो की यात्राएं, धार्मिक उद्देश्य और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी का योगदान और कस्तुनफुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो 3 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, इस बार भी आ सकता है, है ना। उनका जन्म 1451 ईस्वी में इटली सॉरी शहर जिनोवा में हुआ था। उन्हें बचपन से ही समुद्री यात्राएं करने का शौक था, है ना। और स्पेन के शासक फर्डिनेंड ने 1492 ईस्वी में उनकी यात्रा, जो भी उन्होंने प्लान किया था यात्रा करने का, उसको स्वीकृति दे दी। वो स्पेन के शासक फर्डिनेंड के पास गए क्रिस्टोफर कोलंबस की, मैं ऐसे देश की खोज करना चाहता हूँ, है ना। तो जब प्लानिंग फर्डिनेंड ने सुनी तो उन्होंने पूरा उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उनको पूरे नए बनाए हुए जहाज 3 जहाजों में भेजा उनको, जिनके नाम थे सांता मारिया और पीटा, पीटा और नीना, है ना। सांता मारिया पहला था, सांता मारिया दूसरा था, पिंटा और तीसरा था नीना। ये 3 जहाज थे, हालांकि इन 3 जहाजों में बहुत सारे लोग गए थे, 150-200 लोग गए थे क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ। लेकिन अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है कि अमेरिका की खोज किसने की, अगर ये बात की जाए तो हम बोलते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्योंकि लीडर कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है ना। और इन जहाजों में जब वो गए वहां से 2 अक्टूबर को पहुंचे, 2 अक्टूबर 1492 को बहामा द्वीप पहुंचे, गुहाना हानी जगह का नाम था, और इनको उन्होंने इंडियन समझा और यहाँ के लोगों को उसने उन्होंने रेड इंडियन की संज्ञा दी, है ना। बाद में इनका नाम जो है सैन सेल्वाडोर उसने रखा, फिर फर्डिनेंड ने उन्हें एडमिरल ऑफ द ओशियन सी की उपाधि से सम्मानित किया और वाइसराय नियुक्त कर दिया उन्होंने उनको इस जगह का। और 1506 ईस्वी में कोलंबस की मृत्यु हो गया। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था, कि इतिहासकार मानते थे कि उसने बहुत सारे जाति वहां पे लोगों के साथ की, बहुत सारा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, तो ये प्रश्न 3 नंबर में आपको आएगा, लेकिन यहाँ से आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी एमसीक्यू के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की, है ना, अमेरिका की खोज कब हुई, या फिर 3 जहाजों के नाम बताओ जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस जो यात्रा के लिए निकले थे, या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या बोलते हैं उसको बहामा द्वीप को किस नाम से पुकारा, सैन सेल्वाडोर, है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो फर्डिनेंड थे उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस को किसकी उपाधि से सम्मानित किया, एडमिरल ऑफ द ओशन सी। ठीक है, तो ये भी, ये प्रश्न भी आपको घर पाठशाला में, हमने ये वीडियो इसकी घर पाठशाला में है, आप वहां पे फिर से एक बार लिंक देख सकते हैं। अगला जो उसमें रहेगा हमारा फ्रांसिस्को पिजारो, ये भी प्रश्न एग्जामिनेशन में 3 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। इनका साम्राज्य पर इन्होंने आक्रमण किया था और स्पेन की सिद्ध विजेता रहे हैं, क्या नाम है, फ्रांसिस्को पिजारो। ठीक है, और अताहुआल्पा जो कि शासक था इनका साम्राज्य का, उसका वध कर दिया था इन्होंने, और 1541 ईस्वी में स्वयं पिजारो की जो है वो मृत्यु हो गई, उसका वध कर दिया गया था उनके विरोधी द्वारा। तो ये प्रश्न भी आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है, आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है, यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो भी आपने देखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं 3 ऐसे सभ्यताएं, हालांकि 4 सभ्यता है लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे 3 ही सभ्यताओं की। एक जो सभ्यता है वो काट दी गई है चैप्टर की, जिसका नाम है इंका सभ्यता, वो डिलीटेड है सिलेबस से ही, वहां से आपको प्रश्न नहीं आएगा। इंका सभ्यता से आपको प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है,
आपको जो प्रश्न आएंगे वो माया सभ्यता, अरावाकी सभ्यता और एजटेक सभ्यता से आपको प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अरावाकी सभ्यता। ये अरावाकी सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता अमेरिकन सभ्यताओं में बहुत पुरानी सभ्यता रही है और इस सभ्यता के लोगों की जो विशेषता रही है कि बहुत ही शांतिप्रिय ये लोग थे और लड़ने झगड़ने की अपेक्षा ये आपस में शांति से ही जो है वो बातचीत करके ही झगड़ों का निपटारा करते थे। ये तीन नंबर में ही प्रश्न आपको आएगा, इसके तीन चार पॉइंट आप लोगों ने लिखना है। इन जो ये जो लोग थे अरावाकी लोग, इनका कोई भी राजा नहीं था बल्कि ये बुजुर्गों के अधीन ही संगठित रहते थे, ना तो इनका कोई राजा था ना ही इनकी कोई सेना थी और चर्च का भी इनके जीवन के ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था चर्च का। ये चर्च के जो बातें थी उनको नहीं मानते थे। ठीक है, नौका निर्माता थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने इससे पहले भी आपने जब ये डिटेल में ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें इससे रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। और ये साधारण गांवों में रहते थे और सोने के गहने ये पहनते थे, बुनाई में बहुत निपुण थे और अरावाकियों का धर्म में अटूट विश्वास था। ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक्स है अरावाकी सभ्यता के लोगों की और तीन नंबर में प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगला जो है अधिक सभ्यता जो जिसके ऊपर हम बात करेंगे, एजटेक सभ्यता। एजटेक सभ्यता ये भी एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है। एजटेक समाज में सम्राट का जो स्थान था वो उसे पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, जो पहली इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। एजटेक समाज में सम्राट को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और पृथ्वी पर सूर्य देवता का ने प्रतिनिधि माना जाता था और ये लोग जो थे महान कला प्रेमी थे। एजटेक समाज श्रेणीबद्ध था, जिसमें सबसे जो बड़ा स्थान था वो अमीर लोगों के लिए था, अभिजात वर्ग के लिए था और निम्न स्थान दासों के लिए था। उनकी स्थिति बहुत खराब थी, हमने दास प्रथा के बारे में डिटेल में पढ़ा है ना। इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था और कृषि और व्यापार ये इनके मुख्य व्यवसाय रहे। ठीक है, अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जो अभिजात वर्ग के लोग थे उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे, स्त्रियों की स्थिति इस समय बहुत अच्छी थी। और धर्म के बारे में बात करें तो लोगों का जीवन जो का मुख्य आधार था वो सूर्य, मतलब धर्म लोगों के जीवन का मुख्य आधार था और ये सूर्य देवता की पूजा करते थे या सूर्य देवता को सबसे महत्वपूर्ण ये मानते थे। अब हम बात करते हैं तीसरी सभ्यता की, माया सभ्यता। माया सभ्यता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि माया सभ्यता इसलिए भी फेमस रही है क्योंकि माया लोगों का अपना एक कैलेंडर रहा है, एक कैलेंडर रहा है माया लोगों का जिसमें अंतिम जो डेट है वो 2012 लिखी गई है ना। 2012 अगर आपको याद हो तो 2012 में आप बहुत छोटे छोटे थे उस समय, तो एक अफवाह पूरे हमारे इलाके में भी सब जगह फैली हुई थी कि अब जो है पृथ्वी खत्म हो जाएगी दिसंबर 2012 के बाद, 31 दिसंबर 2012 जो है वो अंतिम दिन होगा इस पृथ्वी का। तो ये किसमें कहा गया था, माया सभ्यता में। ठीक है, और हमने ये चीज देखी भी, एक बहुत अच्छी मूवी है हॉलीवुड की अगर आप लोगों ने देखी हो 2012, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है कि पृथ्वी किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है और जो साइंस है वो बचा रहा है तीन जहाजों में अपने लोगों को, जो कि बहुत जरूरी है ना। तो इस सभ्यता के ऊपर भी आप लोगों को इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि माया सभ्यता की अति महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रही है। सर कितना कर लंबा, मैं फटाफट से करता हूँ खूब ना। तो ये जो टॉपिक्स है, ये दोनों जो चैप्टर हमने अभी किए, इससे जो जरूरी जरूरी प्रश्न है वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को इससे फायदा होगा मैं यही उम्मीद करता हूँ। एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इनसे, कोई पूछना चाहे तो, अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है इन दोनों टॉपिक से, दोनों चैप्टर से, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी कहीं से भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कुछ आपने पूछना है या फिर इन दोनों चैप्टर से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो हम आज दोनों टॉपिक पढ़े हैं आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फायदा देंगे। बाकी अगला कब से होगा सेशन हमारा? अगला सेशन जो है 12:30 से हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसको हम करेंगे। थैंक यू।